बोलो केदारनाथ की जय। हर हर शौर्य सिंह राठौर, कैसा लग रहा है आपको केदारनाथ आके? So, हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। दिल्ली से केदारनाथ का जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर का है, लेकिन आपको कहीं पर भी बोर नहीं लगेगा, रास्ता बहुत ही सुहाना है। Hi guys. बोलो केदारनाथ की जय। हर हर बहुत ही हंसते खेलते अंताक्षरी खेलते हुए हमारा सफर निकल गया। सफर बहुत ही सुहाना था क्योंकि हमने बुक किया था ट्रैवल ब्यूरो की तरफ से, और ट्रैवल ब्यूरो आपको देता है बहुत ही कम बजट में अच्छा सा ट्रिप। बहुत टाइम से चढ़ाई चढ़ते हुए अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, हालत बैंड हो चुका है और वैसे तो बोलते हैं लोग कि ये सीढ़ियाँ, ये जो चढ़ाई है वो 15 किलोमीटर की, लेकिन बात मानो ये पूरे के पूरे 25 किलोमीटर का है। 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, लेकिन सच बताऊँ चलते चलते आपको ऐसे ऐसे नज़ारे मिलते हैं कि आपको थोड़ा भी बोर नहीं लगता। हालत बैंड हो जाता है तो सोच समझ कर स्टैमिना चेक करवा ले अपनी गर्लफ्रेंड, लेकिन एक सेकंड स्टैमिना चेक करवा ले अपनी गर्ल्स। इसके बाद शौर्य सिंह राठौर, कैसा लग रहा है आपको केदारनाथ आके? बढ़िया, ऐसे ही जाना चाहिए। मजा आ रहा है एकदम। कितने बार आना चाहोगे और आप? 10 बार हर साल। चलो बिना रुके 100 बार चल के दिखा। चलो रिलैक्स लग रहा है अभी। तो मैं एक तो एकदम आपको अच्छा टिप देना चाहता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा बैग है, सामान है, और ज़्यादा सामान है तो लगेज है, तो आप ना यहाँ पर, ये एक स्टेशन है, यहाँ पर आके भैया के पास, यहाँ से आओ। देखो ये दुकान है, देख लो भैया, यहाँ कितने रुपए में भैया? 100 रुपए में पूरा बैग छोड़वा सकते हैं अपना। ये सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है, कोई नहीं दिया होगा आपको। अगर कुछ कुछ हैवी चीज लगता है, कुछ हैवी सामान लगता है तो यहाँ छोड़वा दो। बहुत ही अच्छा, हम लोगों ने भी छोड़वाया अभी। गोपाल साहू है हमारे दोस्त, हमारे बीच भाई। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। बहुत बढ़िया भाई लोग का, बहुत प्यार से साथ में लाने के लिए बहुत सेवा रहा भाई। और अभी आधा मंजिल पहुँचे हुए हैं भाई, और आधा मंजिल बची हुई है। अब तो सिर्फ भगवान के दर्शन के बाद ही आगे बात करते हैं आप लोग से दोस्तों। भाई आपका मुंह देख के तो लग रहा है आप चुसा चुके हैं पूरी तरह से। जी वो तो पता है जैसे आप चढ़े ना उसी टाइम हम लोग समझ गए थे सकसका राम आ रहा है करके। बना दे भाई। अब हम लोग भैरव बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। और यहाँ आने के बाद सभी खुश थे और सब नाचने लग गए। केदारनाथ आने का मजा ही कुछ और है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी टाइम निकाल के जरूर यहाँ आए। जो ये लाइन दिख रहा है 4 किलोमीटर का लाइन है, सुबह 4 बजे से लगा हुआ है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन लगाते हैं। चलो उनमें से एक श्रद्धालु से बात करते हैं। कैसे लग रहा है मंदिर जाके? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कैसा लगा केदारनाथ मंदिर? बहुत अच्छा, एक मिनट में इतने अच्छे दर्शन हुए। अच्छा हुआ वीआईपी दर्शन किए के लाइन लगे थे? लाइन लगा थे।
कितना टाइम लगा लाइन में आपको? 2 घंटे। थैंक यू। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं इसे भीमशिला कहते हैं। भीमशिला पर्वत, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी और विपदा आई थी, तब इस भीमशिला पर्वत ने यहाँ आके केदारनाथ मंदिर को बचाया था। और कहा जाता है ये भीम भगवान का ही स्वरूप है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इनकी पूजा की जाती है, आप खुद से देख सकते हो कि ये मंदिर के जस्ट पीछे में है। और ऐसे ही इन्होंने जो बाढ़ आया था, जो बाढ़ की लहरें थी, उन्हें इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। सो फाइनली मैंने केदारनाथ के पूरे दर्शन कर लिए और केदारनाथ के दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है इस दर्शन के लिए, इस दृश्य के लिए, भगवान को देखने के लिए। तो मेरा पैर तो दर्द कर रहा था जब रात को मैं आया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर टाइम मिले तो आप भी ज़रूर यहाँ विज़िट करें।